नमस्कार, मैं अनिल सोलंकी, स्वागत आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक कॉइन के बारे में, जिस कॉइन का नाम है विंग कॉइन। कलीम, अगर जब आप देखोगे तो कल मार्केट पूरी तरीके से अप था, अब मार्केट क्या हो रहा है, अब मार्केट डाउन चला जा रहा है। हर कोई विंग कॉइन के बारे में क्या कह रहा था कि विंग कॉइन 1 रुपया टच करेगा रातों रात, कुछ कह रहे थे कि 1 डॉलर भी टच करेगा। बट ये विन कॉइन 1 डॉलर और 1 रुपया कब टच करेगा, इसका रिपोर्ट कोई नहीं बता सकता। बहुत सारे लोग जो विन कॉइन में पैसा अभी इन्वेस्ट करके रखे, फटाक से पैनिक हो गए। अरे यार, अभी फिर से डाउन चले गया, 5 रुपए के नजदीक आ गया, 6 रुपए गया था, 1 पैसा कम हो गया, अब हम क्या करें। भाई देखो, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, शेयर मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में एक चीज होनी बहुत जरूरी है, पेशेंस। 2011 में जो बिटकॉइन की प्राइस 11 रुपए थी और आज एक बार ये 55 लाख रुपए को टच करके आई है। डिफरेंस है, पर उसको 10 साल का टाइम लगा लगा ना। तो जो इंसान पेशेंस रखता है उसी को ही मार्केट में जीत मिलती है और पैसा कमा पाता है। अब बिन कॉइन की जो प्राइस चल रही है, अगर देख रहे हो आप पूरी अच्छी तरह से, तो ये देखो 0.0152 अभी के टाइम चल रही है, 10 आज के दिन 10% ये नीचे गिर चुका है। भाई बिन कॉइन है, आने वाले समय में विन कॉइन ये जरूर बढ़ेगा। अब इसकी टोटल सप्लाई कितनी है विन कॉइन के, टोटल अगर चार्ट आप देखोगे, ये चलो मैं चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ डाउन हो गया था, अब इसका मोमेंटम देखो कैसा चल रहा है, धीरे धीरे अब जा रहा है, अलग कहानी है, पर अभी कुछ डाउन जरूर हुआ है। देखो, विन कॉइन का फ्यूचर तो अच्छा है, ये आपको ही मालूम है। विन कॉइन का सबसे बड़ा इश्यू क्या है, इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई 76,000 करोड़ रुपए इसकी टोटल सप्लाई है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि 1 लाख करोड़ से सिर्फ 25 लाख हजार कम, अब अगर ये 1 रुपये जाएगा, इसका मतलब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी, 76,000 करोड़। अब 76,000 करोड़ कितने क्रिप्टो करेंसी में, टॉप 10 भी रहेंगे, तो इसका मतलब अगर ये 1 रुपये टच करेगा तो ये टॉप 10 में आना चाहिए। क्या ये इतने जल्दी आएगा? आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। इस ये विन कॉइन जो है, ये ट्रॉन के बेसिस में प्लेटफॉर्म में काम करता है। ट्रॉन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि इसके जो ओनर है वो जस्टिन सन है, और विन के जो टोकन है वो ट्रॉन के सिस्टम पे काम करता है। ट्रॉन का सिस्टम बिटकॉइन से लेके इनसे सबसे फास्ट स्पीड है, मतलब 2,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकते हैं आप इन कहाँ पे, ट्रॉन के सिस्टम में। तो उस ट्रॉन में विंक है। अब विंक का दूसरा क्या मेन फायदा है, विंक कॉइन एक ब्लेनिंग प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है, मतलब दूसरा बहुत बहुत कम मैं बोलूंगा कि एक ही ऐसा कॉइन है, तो ये गलत नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा हमको, एक ही कॉइन है जो गेमिंग में है टोकन विन, अदरवाइज गेमिंग में ऐसा कोई ज्यादा टोकन है नहीं। और आपको मालूम है गेमिंग का फ्यूचर क्या है, रहा सवाल इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई का, देखो 76,000 है, तो जस्टिन सन क्या करेंगे, जैसे ट्रॉन को किया, हर कुछ दिनों के बाद इसकी जितनी भी सप्लाई है वो बंद करते जाएंगे, मतलब निकाल दिए जाएंगे। धीरे 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 उनका प्लानिंग रहेगा कि इसकी भी मिनिमम 5,000 करोड़ सप्लाई होनी चाहिए। अगर 5,000 करोड़ सप्लाई करते हैं और 1 साल में धीरे धीरे कट करके, तो इसका मतलब जब ये 1 रुपये जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 5,000 करोड़। सोचो, अभी तो ये 5,000 करोड़ चूक ही चुका है, तो इसका मतलब 1 रुपये जाएगा बर्निंग से जाएगा या फिर इसकी खुद की पोटेंशियल ग्रोथ से जाएगा, पर जाएगा। पर ये जो यूट्यूबर बोल रहे ना, कर 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 अमीर बनोगे, आज के आज अमीर बनोगे, तो भाई वैसा नहीं रहता, थोड़ा टाइम जाता है। ये देखो, डाउन हो गया, अप हो गया, फिर से डाउन होगा, अप होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ये क्रिप्टो मार्केट है। अगर कोई भी ऐसी बैड न्यूज आती है जिससे बिटकॉइन डम होता है, तो भी विनकॉइन भी डम होगा, बिटकॉइन अप है, विनकॉइन भी अप है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये जितना प्रॉफिट आपको करके देगा ये मैं नहीं मानूंगा, पर लॉन्ग टर्म में अगर इसको मिनिमम आपने 3 साल रखा, तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये विनकॉइन जो है हमारी, आपको मिनिमम से मिनिमम 5 रुपये 2023 के एंड तक दिखेगी। मेरा टारगेट आपके लिए 2000 में 2022 तक 1 रुपया,
दिसंबर 2023 तक पहुंच गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।